मैं प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हेलो दोस्तों, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। राखी के त्यौहार के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ तो दोस्तों, रक्षाबंधन हिंदुओं का महत्वपूर्ण पर्व है जो भारत के करीब करीब सभी हिस्सों में मनाया जाता है। भारत के अलावा विश्व भर में जहाँ भी हिंदू लोग रहते हैं वो सभी बहन भाई रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाते हैं। इस त्यौहार का आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। इस संबंध में इंद्रदेव संबंधित मिथक भविष्य पुराण के अनुसार दैत्यों और देवताओं के मध्य होने वाले एक युद्ध में भगवान इंद्र को एक असुर राजा राजा बलि ने हरा दिया। इस समय इंद्र की पत्नी सती ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। भगवान विष्णु ने सती को सूती धागे से एक हाथ में पहने जाने वाला धागा बना दिया। इस वलय को भगवान विष्णु ने पवित्र वलय कहा और सती ने इस धागे को इंद्र की कलाई में बांध दिया। इंद्र की सुरक्षा और सफलता की कामना की। इसके बाद अगले युद्ध में इंद्र बलि नामक असुर को हराने में सफल हुए, अमरावती पर अपना अधिकार कर लिया और यहाँ से इस पवित्र धागे का प्रचलन आरंभ हुआ। इसके बाद युद्ध में जाने से पहले अपने पति और औरतें ये धागा बांधती थी। इस तरह ये त्यौहार सिर्फ भाइयों और बहनों का ही तक सीमित नहीं रहा, बहुत आगे तक पहुँच गया और हम बाज़ार पहुँच चुके हैं। और बाज़ार की रौनक देखिए, शाम हो गई, हमें रात हो गई और राखियों की स्टॉल लगी हुई हैं। अब ये कुछ राखी खरीद रहे हैं तो भाई खरीदो, हम साइड में खड़े हैं, पसंद कर लो अपनी अपनी, कैसी लेनी है कैसी नहीं लेनी है। और उसके बाद फिर हम चलते हैं, राखी तो कल मनाएंगे, आज तो हम एक दिन पहले आए थे बाज़ार में। और इस राखी के संबंध में राजा बलि और माँ लक्ष्मी की एक कहानी और है। भगवत पुराण और विष्णु पुराण के आधार पर यह माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने राजा बलि को हराकर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया तो बलि ने भगवान विष्णु से उनके महल में रहने का आग्रह किया। भगवान विष्णु इस आग्रह को मान गए। हालांकि भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी को भगवान विष्णु और बलि की मित्रता अच्छी नहीं लग रही थी, उन्होंने भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ जाने का निश्चय किया। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने बलि को रक्षा धागा बांधकर भाई बना लिया। इस पर बलि ने लक्ष्मी से मनचाहा उपहार मांगने के लिए कहा। इस पर माँ लक्ष्मी ने राजा बलि से कहा कि वह भगवान विष्णु को इस वचन से मुक्त करें कि भगवान विष्णु इसके महल में रहेंगे। बलि ने यह बात मान ली और साथ ही माँ लक्ष्मी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। और हम अब घर पे बच्चे सभी राखी बांध रहे हैं आपस में, बहन भाइयाँ, ननद भौजाई, ननद भाभी, मतलब भौजाई मतलब भाभी होता है, तो सभी बांध रहे हैं राखियाँ, एंजॉयमेंट ले रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब अपने मस्ती में मस्त हैं, सब खुश हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप सब भी इसी तरह से खुश रहें, भाई बहन पूरे परिवार सभी खुश रहें, खुशी से रक्षाबंधन त्यौहार मनाएं। और इस रक्षाबंधन त्यौहार के संबंध में महाभारत में भी एक कहावत है, कहानी है, महाभारत में भी मिलता है रक्षाबंधन का उल्लेख। कहते हैं कि महाभारत में भी रक्षाबंधन का उल्लेख मिलता है। दरअसल जब से ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि मैं सभी संकटों को कैसे पार कर सकता हूं, तब भगवान कृष्ण ने उनकी और उनकी सेना की रक्षा के लिए राखी का त्यौहार मनाने की सलाह दी थी। उनका कहना था कि राखी के रेशमी धागे में वह शक्ति है जिससे आप हर विपत्ति से मुक्ति पा सकते हैं। तो उस समय युधिष्ठिर ने पूरी सेना के राखी बांधी थी और सबकी रक्षा हुई उस धागे से, तभी महाभारत पांडवों ने जीता था, महाभारत का युद्ध। और इसी तरह से रानी कर्णावती ने हुमायूं को भी राखी भेजी थी, ये मध्यकालीन युग में मिलता है, स्वतंत्रता आंदोलन में भी इसका मिलता है। और प्रकृति को भी लोग राखी बांधते हैं, प्रकृति के पेड़ पौधों को भी अपना दोस्त भाई बहन ये मानते हैं, तो ये भी चलता आ रहा है, परंपरा चलती आ रही है। तो इस तरह से दोस्तों राखी का त्यौहार सदियों से, कई युगों युगों से मनाया जा रहा है। ये भाई बहन का पवित्र त्यौहार है, इसमें बहन भाई की राखी बांधती है, जैसे यहाँ भी बन रही है हमारे।
दोस्तों नमस्कार। राखी का त्यौहार महाभारत काल से ही चला रहा है और जुड़ा हुआ है। उसी समय से ये प्रथा या क्या कह सकते हैं राखी बांधने का त्यौहार शुरू हुआ था। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी एक कथा पढ़ लेता है। उस समय की है जब इंद्रप्रस्थ में शिशुपाल का वध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था। उसी दौरान श्री कृष्ण की उंगली कट गई, काफ़ी खून बहने लगा। उस समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर और भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। संयोग से उसी दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। इस बात से भगवान इतने खुश हुए कि उन्होंने द्रौपदी को वचन दिया कि एक दिन ज़रूर वे साड़ी के एक धागे का मोल चुकाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब द्रौपदी का चीर हरण कर रहे थे कौरव, उस समय उसकी रक्षा की थी उसका चीर बढ़ा करके। तो उस समय से ये त्यौहार मनाया जा रहा है और भाई बहन की रक्षा करता हुआ चला आ रहा है। तो इस प्रकार की प्रथाएँ कथाएँ चली आ रही हैं। महाभारत काल की है ये कहानी, ऐसी काफ़ी कहानियाँ हैं। अगर मैं इतना कहानियाँ सुनाता रहूँगा कहता रहूँगा तो यहाँ वक्त बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे भारत देश के प्यारे बहन भाइयों, आने वाले 15 अगस्त की आपको शुभकामनाएं और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। और आपको ये व्लॉग कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। और आप मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें और देखते रहें ट्रेवलर रानी। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ।